Hi everyone, my name is Surbhi and I'm a Law of Attraction coach, Tarot and Angel card reader, Angel healer and Usvi Reiki healing master हूँ. आज के सेशन में मैं आप लोगों को आप अपने जो होता है ना बैड लक, आपको ऐसा फील होता है कि नेगेटिविटी आप में बहुत ज़्यादा स्टक हो गई, आप बार बार बीमार पड़ रहे हैं, या आप जो भी काम करने जा रहे हो वो काम ढंग से नहीं हो रहा है, या लोग आपसे बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ कर रहे हैं, आपके बहुत ज़्यादा एनिमीज बनते जा रहे हैं, तो उसके लिए मैं आज एक वीडियो लेके आई हूँ जो आपको हेल्प कर सकती है. ठीक है, तो इसमें आपको एक मंत्रा मैं आपको बताऊंगी और उसके उसके बेनिफिट्स भी मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आप इस मंत्रा की चैंटिंग डेली करते हैं तो आपको क्या बेनिफिट्स मिलेंगे. बेसिकली ये वीडियो मैं इसीलिए बना रही हूँ, इसकी टॉपिक मैं आपसे इसीलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि ये एक चैनल्ड मैसेज है जो मुझे मिला है, इसीलिए मैं ये आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ. तो जिनको भी रिजोनेट करेगा, जिनको भी इस वीडियो की ये प्रॉब्लम के लिए सोल्यूशन चाहिए, जिसको भी जिसके लिए ये वीडियो बना रही हूँ वो उसे मिल जाए एंड वो प्रॉब्लम उसकी सॉल्व हो जाए. ठीक है, तो ये एक चैनल मैसेज है इसीलिए मैं इस पर वीडियो बना रही हूँ. ये एक मंत्रा है और इसकी मैं बेनिफिट बताऊंगी. ये मंत्रा बहुत पहले की मंत्रा है, माँ दुर्गा के ऊपर ये मंत्रा है. ठीक है, मंत्रा कुछ इस तरीके से है, ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्छे, ये मंत्र है. इसे इस मंत्र के अगर आप डेली चैंट करते हैं, मैं आपको पहले बता दूं कि ये चैंट कैसे करना है. ये मंत्र जो मैंने आपको बताया है, ये मंत्र आप डेली 108 टाइम्स आप सुनेंगे या फिर आप खुद चैंट करेंगे 21 डेज तक या फिर मिनिमम 30 डेज तक. ठीक है, इसे डेली आपको चैंट करना है, आपको समय निकालना है तो आप सुन सकते हैं या फिर आप खुद इसे चैंट कर सकते हैं 108 टाइम्स. तो ये मंत्र आपको चैंट करनी है. अब मैं आपको बता देती हूँ कि इस मंत्र के चैंटिंग के बेनिफिट्स क्या क्या हैं और आपको अगर बेनिफिट्स से आपको समझ में आए कि ये मंत्र मेरे लिए है तो प्लीज़ इस मंत्र को चैंट करना स्टार्ट कर दीजिए. ठीक है, तो पहला जो बेनिफिट है वो ये है कि ये मंत्र बहुत ही पावरफुल मंत्र है माँ दुर्गा का. ठीक है, माँ दुर्गा के का ये पावरफुल मंत्र है कि जब भी आप इस मंत्र की चैंटिंग करते हैं, जो भी आपका रुका हुआ विश है, वो कोई भी विश होने दो, जो भी आपकी रुकी हुई विश है जो आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं और ये मैनिफेस्ट नहीं हो रही है, तो ये मंत्र की चैंटिंग से आपका वो विश के ऊपर बूस्टअप होगा एंड वो विश आपको बहुत जल्दी मिलेगी. जो आपकी ड्रीम है वो आपको बहुत जल्दी मिल जाएंगी, आपकी जो विश है वो बहुत जल्दी फुलफिल हो जाएंगी क्योंकि ये बहुत पावरफुल मंत्र है माँ दुर्गा का. जब भी आप इस मंत्र के उच्चारण करना स्टार्ट करते हैं, जब भी इस मंत्र को आप अपने हैबिट में लाते हैं, जैसे कि 21 डेज का अगर आप इसे चैलेंज में लेते हैं और इसे करते हैं, तो आपकी जो माइंड है वो पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म हो जाएंगी. आपकी जो भी डिज़ायर्स हैं वो बहुत जल्दी एकदम क्विकली आप मैनिफेस्ट कर सकोगे. इसकी ये पावर है, ये मंत्र की ये पावर है कि आपकी कोई भी डिज़ायर हो आप बहुत जल्दी उसे मैनिफेस्ट कर लेंगे. आपके माइंड में आपकी इंटेंशन होनी चाहिए कि आप क्यों इस मंत्र को बोल रहे हैं, क्यों इस मंत्र को चैंट कर रहे हैं. जो भी आपकी ड्रीम है, जो भी आपके डिज़ायर है, चाहे वो आपके एग्जाम के मार्क्स ही क्यों ना हो, चाहे वो हो सकता है आपने एग्जाम दे दिया है लेकिन बाद में आप उसके लिए विजुअलाइजेशन की प्रैक्टिस कर रहे हैं कि मेरी परसेंटेज इतनी होनी चाहिए. ठीक है, तो उसके लिए भी आप इस मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं. इस मंत्र का उच्चारण कीजिए एंड अपने माइंड में आपकी जो ड्रीम है, आपकी जो विश है उसे रखिए. ठीक है, क्योंकि हर एक चीज़ में इंटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अगर आपकी इंटेंशन सेट कर लिया है आपने, उसके बाद अगर आप मंत्र को चैंट कर रहे हैं तो ये डेफिनेटली आपके लाइफ में होना स्टार्ट हो जाएगा. रेगुलर इस मंत्र की चैंटिंग से आप ना नेगेटिविटी को रिलीज करेंगे, चाहे वो नेगेटिव एनर्जीज हो आपके माइंड से, आपके बॉडी से, आप नेगेटिविटी को रिलीज करेंगे. हर एक टॉक्सिन्स को आप अपने बॉडी से, अपने माइंड से रिलीज करेंगे और स्ट्रेंथ को गेन करेंगे. नेक्स्ट थिंग, अगर आप डिप्रेशन में हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हैं, स्ट्रेस में हैं, तो इसके ये मंत्र के चैंटिंग से आप इसे डिप्रेशन को रिलीज करेंगे और गेन करेंगे साइकिक पावर को. एक बार आपकी साइकिक पावर एनहांस हो जाती है फिर आपको भी पता है आप क्या क्या चीज़ें मैनिफेस्ट कर सकते हैं.
रेगुलर इस मंत्र का चैंटिंग से आपके जो भी एनिमीज है वो आपके फेवर में आ जाएंगे। यानी कि जिसने भी आपका दिल दुखाया होगा या जिसने भी आपको कुछ भला बुरा बोल के चले गए होंगे, वो भी आपको कॉल करके सॉरी बोलेंगे। ये इतनी पावरफुल मंत्र है, ये बहुत ही पहले की मंत्र है। ओके, सो अगर कोई अनजान इंसान अगर आपसे अच्छे से बिहेव नहीं कर रहा है, या आपका ही कोई फ्रेंड है जो आपसे अच्छे से बिहेव नहीं कर रहा है, इस रेगुलर इस मंत्र की चैंटिंग से आपके साथ कोई भी ऐसा इंसान नहीं होगा जो आपकी एनिमी होगा, क्योंकि ये माँ दुर्गा का मंत्र है, आप खुद समझ सकते हैं। और एक चीज़ जो मुझे इसमें बेस्ट लगी है वो ये है कि वुमेन्स के लिए जिनको भी मंथली साइकिल में दिक्कतें होती हैं या पेन होती है या इरेगुलर मंथली साइकिल है जिनका, उनके लिए भी ये मंत्र का उच्चारण करना बेस्ट है। लेडीज़ के लिए मैं बात कर रही हूँ, अगर लेडीज़ को कोई भी हेल्थ इश्यूज है जो आपको क्योर करनी है, ठीक है, उसके लिए भी इंटेंशन आप अपने माइंड में रखें और फिर इस मंत्र की चैंटिंग करें। अगर मंथली साइकिल का भी कुछ इशू चल रहा है वो भी इस मंत्र से धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। ये इतना पावरफुल मंत्र है, सिर्फ आपकी इंटेंशन क्लियर होनी चाहिए कि आपको क्या चाहिए। यंग स्टूडेंट्स जो एग्जाम्स देना दे रहे हैं या फिर पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, स्टडीज़ कर रहे हैं, एग्जाम्स दे रहे हैं, उनके लिए भी ये मंत्र बहुत यूज़फुल होगा, क्योंकि इस मंत्र के चैंटिंग से आपकी मेमोरी पावर बहुत शार्प होते जाएंगी, आपकी इंटेलिजेंस शार्प होते जाएंगे, तो आपको जो भी मार्क्स मैनिफेस्ट करनी है, गुड ग्रेड्स आपको मैनिफेस्ट करनी है या फिर डिज़ायर्ड मार्क्स आपको मैनिफेस्ट करिए, आप वो भी मैनिफेस्ट कर सकेंगे। जब आप बार बार इस मंत्र की चैंटिंग करेंगे तभी आपके आपका जो हार्ट है वो बहुत ज़्यादा प्योर होता जाएगा, लाइट वेटेड फील होता जाएगा, और आपके हार्ट में ना बहुत ज़्यादा लव एंड लाइट महसूस करेंगे आप। आपका हार्ट एकदम प्यार से भर उठेगा, जो प्योर लव बोलते हैं वो प्योर लव आपके हार्ट में आ जाएगी, एंड आप बहुत ही ज़्यादा एंजॉयड हैप्पी जॉय फील करेंगे, क्योंकि आपकी हार्ट इतनी प्योर हो चुकी होगी। और क्या क्या कर सकती है ये मंत्र, ये मंत्र आपको कॉन्फिडेंस की तरफ ले जा सकती है, क्योंकि हम बहुत से लोगों को ना फियर होता है, फियर इस बात का होता है कि क्या होगा, कैसे होगा, या फिर अगर बिजनेस भी करें, अगर बिजनेस सक्सेसफुल नहीं रहा तो मेरा सेल्स नहीं हो रहा है, तो उसमें भी अगर आप ये मंत्र का उच्चारण करते हैं तो ये आपके लिए अच्छा होगा। कुछ ही समय पहले मुझे किसी ने कमेंट में भेजा था कि बिजनेस को कैसे ग्रो करना है, तो सेम चीज़, इंटेंशन क्लियर रखो कि आपकी बिजनेस का ग्रोथ आपको चाहिए, एंड उसके बाद आप इस मंत्र का चैंटिंग कर सकते हो अपने बिजनेस ग्रोथ के लिए भी, ठीक है। तो बहुत बहुत ईजी, बहुत कामगार मंत्र है ये, अगर आप डेली इसे अपने लाइफ में इंक्लूड कर लेते हैं तो मैजिकली इफेक्ट्स आपको देखने मिलेंगे, आपके डिजायर्स भी आप बहुत जल्दी मैनिफेस्ट कर पाएंगे। और सबसे अच्छी चीज़ वो ये है कि ये, जैसे कि आपको पता है माँ दुर्गा का मंत्र है, तो इसमें अगर कोई ईविल, कोई बोलते हैं ना नेगेटिव वाइब्स आपके घर पे भेज रहे हैं या आपके पास भेज रहे हैं नेगेटिव वाइब्स, तो उससे भी आप छुटकारा पा सकते हैं। किसी ने अगर बोल दिया कि ब्लैक मैजिक कर रहे हैं तो उससे भी आप इससे बाहर आ सकते हैं, आपको प्रोटेक्शन मिलेगा ईविल से, ठीक है, ईविल आए या किसी ने भी कुछ गलत सोचा है आपके घर के लिए, तो उससे भी आप इस मंत्र के चैंटिंग से आप उससे भी छुटकारा पा सकते हैं। एंड लास्ट टॉपिक है कि स्पिरिचुअलिटी में आपकी ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे जैसे आपकी स्पिरिचुअलिटी में आप एबिलिटी बढ़ते जाएंगे, आपकी ग्रोथ होते जाएगी स्पिरिचुअलिटी में, तो ये सारी चीज़ें हैं अगर आप इस मंत्र को अपने लाइफ में इंक्लूड करते हैं। तो अगर आपके साथ कोई भी इसमें से कोई भी चीज़ रिजोनेट होती है तो प्लीज़ 21 डेज तक ये मंत्र को चैंट कीजिए या फिर सुनिए 108 टाइम्स डेली, ओके। एंड जितना हो सके जब भी आप इसे सुने, आपका माइंड जो है, आपके जो इंटेंशन है उसे क्लियर रखिए कि क्यों आप इसे सुन रहे हैं। इंटेंशन आपके माइंड में होना चाहिए और जबा पे आपकी जो मंत्र है वो होनी चाहिए, ठीक है। सो आज के लिए सिर्फ और सिर्फ इतना ही, मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। आई लव यू ऑल, स्टे पॉजिटिव, स्टे ब्लेस्ड, डिवाइन ब्लेसिंग्स टू यू ऑल, आई लव यू, बाय बाय।